नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम पढ़ेंगे वी लुकअप के बारे में कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं डिफरेंट शीट पे। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि वी लुकअप सेम वीडियो में कैसे सेम शीट में कैसे लगाएंगे, बट आज हम पढ़ेंगे कि वी लुकअप डिफरेंट शीट में कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलो कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, तो हम अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी लुकअप सेम शीट पे कैसे लगेगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि वी लुकअप डिफरेंट शीट में कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट है लीना, ठीक है, जिनकी हमने एक्सेल में पता करने कि एक्सेल में इनके कितने नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस है सेम शीट में, तो हमने एक्सेल का डाटा फेच करना है इस यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे वी लुकअप के थ्रू हम करेंगे काम। तो वी लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू एक्चुअली में बेस होता है, आधार होता है कि हमको किसके आधार पे वैल्यू फैच करनी है डेटाबेस से। तो हम किसके बेस पे करेंगे, नाम के आधार पे। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे अपने आप हाईलाइट हो गया टेबल एरे। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि कहाँ है वो डेटाबेस जहाँ से मुझे वैल्यू फैच करनी है। तो ये है वो डेटाबेस जहाँ से वैल्यू हमको फैच करनी है। ठीक है, ये तो एग्जांपल के लिए एक छोटा डेटाबेस बनाया, हो सकता है 10,000 लाइन का डेटाबेस हो, वहाँ से हमारे को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको वी लुकअप इसमें बहुत ही ईजी हो जाता है। तो उसके बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर की कौन सी गली में हमारा वो एक्सेल पड़ा हुआ है, जो एक्सेल सब्जेक्ट है वो कौन सी गली में पड़ा है। तो हम बोलेंगे 2 नंबर गली। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो एक्सेल कौन सी गली में है, 2 नंबर की गली में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2, उसको लगा दिया हमने कॉमा। उसके एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगाएंगे 0 की, हमको एग्जैक्ट चाहिए लीना के नंबर जो एक्सेल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, तो हम क्या करेंगे एंटर। तो अपने आप इसने बता दिया कि लीना के एक्सेल में 68 नंबर है। चलो अभी चेक करते हैं, है लीना है का, ये देखिए लीना के एक्सेल में 68 नंबर है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट शीट पे अप्लाई करेंगे कि डिफरेंट शीट पे हम वी लुकअप फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो हीना है, हीना के हम पीपीटी में नंबर पता करेंगे कि हीना के पीपीटी में कितने नंबर है। तो सेम शीट तो यही होगी जिसमें सेम सेम शीट में डेटाबेस हो, डिफरेंट वो हुआ जिसमें ये पहली शीट है ये दूसरी शीट है। तो दूसरी शीट में हमारा ये डेटाबेस है और इस शीट में हमको इस शीट से डेटा फैच करना है। ठीक है, तो हीना का पीपीटी में कितने नंबर है ये हम दूसरी शीट से फैच करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बराबर है वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू हमारी सेम रहेगी कौन सी, हीना। उसके बाद कॉमा, कॉमा का टेबल एरे हमारे कहाँ पे होगा, दूसरी शीट में होगा। जैसे हम दूसरी शीट में जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रह रहा है और टेबल एरे हमारा हाईलाइट है कि डेटाबेस को हमको सिलेक्ट करना है। तो ये हम दूसरी शीट में जाके पूरे डेटाबेस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला बार में जाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पीपीटी का हो गया 4। ठीक है, 4 नंबर गली में है ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एक्स हमारी पीपीटी, जहाँ तक मुझे आइडिया है, हाँ पीपीटी सी है। ठीक है, 4, 4 के बाद हम करेंगे कॉमा, कॉमा के बाद क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट मैच के लिए लगाएंगे 0। जैसे कि हम 0 लगाएंगे ब्रैकेट बंद कर देंगे, जैसे हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो अपने आप उस जगह पे ये चला जाएगा कर्सर जहाँ पे हमने ये फॉर्मूला एक्चुअली में लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ इसको एंटर, अपने आप ये चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं जाता हूँ, अब मैं हिना को सर्च करता हूँ, ये देखिए हिना के पीपीटी में कितने नंबर हैं, 64। ठीक है, तो ये इस ढंग से अप्लाई होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही
अच्छा फीचर है, अच्छा फॉर्मूला है, जो कि आपकी बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, जो कि आपकी टाइम सेविंग है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। आगे हम इसके और तरीके पढ़ेंगे, किस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, मैं आपको नया वीडियो जल्दी ले आऊँगा। धन्यवाद।